नमस्कार, राम राम, जय माता दी। सभी स्नेही जनों को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। पूर्व की बातों को विस्तार देने के लिए आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। अभी हम लोग जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक, पौराणिक जो भी क्रियाएं हैं उसके लिए अपन बात कर रहे थे, जिसमें वाह त्राटक के लिए अपन ने बात करी थी, उसी से संबंधित एक बात आपको बताते हैं। जिसके लिए भी त्राटक के लिए अपने को कुछ इमेज की, फोटो की आवश्यकता होती है। हमने एक शक्ति चक्र नाम का यंत्र बनाया है, जिसके मध्य में एक बिंदु है, उस पर आपको ध्यान लगाना है। 3 फीट की दूरी पर उसको रखेंगे, वो अभी मैं आपको बतलाता हूँ। वो ये है, दिख रहा है, इसके मध्य में जो एक बिंदी है, आप इसको 3 फीट की दूरी पर रखें, दीवार पे चिपका लें, किसी माध्यम से टिका के रखें, 3 फीट की दूरी पर बैठें, सीधे सुखासन पे, सिद्धासन पे, जैसे भी आपको सरल लगे, और इसके बीच में जो मध्य में बिंदी है उस पर आप अलग एक तक इसको देखें। कुछ समय आपको अशुद्धा भी होगी, लेकिन धीरे धीरे ये सब आपके लिए सामान्य भी होते जाएगा। उस समय बाद इस बिंदु पर आपको एक प्रकाश नजर आने लगेगा, और उस समय आप समझिए कि आप अपनी इस क्रिया, इस विधा की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये सिद्ध होने लगे, इसी में आपको दृश्य भी दिखेंगे, दृश्य भी दिखना शुरू हो जाएंगे, कभी सूर्य, कभी चंद्रमा, कभी नदी, तालाब, सागर, वन, ये सब भी आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तब उस समय आप समझना कि यह हम जो कार्य कर रहे हैं वह सफल और सिद्ध होते जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ही आंतरिक त्राटक की भी बात करी थी। उसमें नेत्र बंद करके आज्ञा चक्र पर, जहां पर अपन तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर ध्यान करना है, और उसी से संबंधित हमने एक दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दी है, उसके विषय में भी बताया था। उसको आप याद करके और उसका पाठ करेंगे और त्राटक और ध्यान करेंगे आंतरिक, तो आपकी कुंडलिनी जागरण की क्रिया शुरू हो जाएगी, यह निश्चित है, 100% सही। और मैं सत्य बात बता रहा हूं आपको कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में बहुत पावर है, यह आपको उस विषय में, कुंडलिनी जागरण के विषय में जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें आपको बहुत आगे ले जाएगा, और संभवतः है कुछ लोगों का इसको विशेष अनुभव भी हो, जो अपने इस अनुभव का शेयर किसी से करना चाहें। हर किसी को बताना नहीं है, अपना गुरु हो या कोई खास इष्ट हो, मित्र हो, उसको आप बता सकते हैं, अन्यथा यह गोपनीय ही रखें तो उचित है। ठीक है, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको दुर्गा सप्तशती में मिल ही जाएगा, आप उसको करें जो हमने बताया है, निश्चित रूप से आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, कल आगे अन्य विषय में भी, इसी विषय में भी आगे बढ़ेंगे और अन्य विषय की चर्चा करेंगे। नमस्कार।